साथियों नमस्कार, राशिद किचन रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने कोशिश की है अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक लाने की। अक्सर दोस्तों, जब हम कहीं ढाबे पर रुकते हैं तो हमारी पहली पसंद ऑर्डर की होती है दाल फ्राई। आज हमने कोशिश की है कि इस लॉकडाउन के चलते जब हम सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, घर में रुके हुए हैं, तो ये जो एक मसाला दाल है और इसको हम आपको बनाना भी सिखाएँ। पहले उपलब्ध थी घर में, हमने सारी दालों को इसमें डाल दिया है। देखिए, हमारा घी गर्म हो गया तो अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालते हैं, हरी मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती। जो भी दाल है वो अच्छी तरह से इसको हम इसमें जो दाल हमने बनाई थी उसमें इसको डाल देंगे। कोशिश कर रहे हैं बहुत अच्छी रेसिपी, बहुत अच्छी डिशेस आपको सर्व करें, आपको बताएं, आपको बनाना सिखाएं। दोस्तों नमस्कार, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लजीज भिंडी। इस लजीज भिंडी को हमने थोड़ा सा हट के बनाया है। प्याज ली है, नमक है, तिल ली है सफ़ेद, ये भी लगभग 2 चम्मच। दोस्तों, भिंडी को सबसे पहले हम इस तरह से कट करेंगे और इसके बाद नीचे का जो रफ हिस्सा है उसको हटा देंगे और ऊपर हटा देंगे, और इसके बाद हम लगभग इसको इस तरह के पीसों में। और दोस्तों, हम ये भी कोशिश करेंगे कि जब भी हम किसी प्रांत में जाएं तो वहाँ के टेस्ट को आपके सामने ज़रूर पेश करें। वहाँ पर किस तरह का फूड होता है, किस तरह की रेसिपी बनाई जाती है और उनमें किन किन इंग्रेडिएंट को, किन किन चीज़ों को डाला जाता है, उसके बारे में भी आपको बताएं। आज आपको बताने वाला हूँ क्रंची डिलीशियस सेवैया, जो कि आज हमारी ईद स्पेशल रेसिपी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेवैया को बनाना। पानी यानी जितनी हम शक्कर लेंगे उससे लगभग डबल पानी हम इसमें यूज़ करेंगे। ये काजू है, गरी, बादाम, पिस्ता, इसी में हमने किशमिश भी लेके रखी है। इसके अलावा ये गरी को हमने कुछ मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और चिरौंजी है। इस कढ़ाई में हमने लगभग 2 चम्मच घी डाला है और अब अपने ड्राई फ्रूट्स इसमें फ्राई करना शुरू करेंगे। हमारे ड्राई फ्रूट, और अब इसके बाद हमने जो मावा फ्राई किया था उसको हम इसमें इस तरह से करें, जिसमें हमने आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है आपको, और क्या हमसे अपेक्षा है, आप क्या सुझाव हमारे इस चैनल में चाहते हैं। वो पालक पनीर बनाना सिखाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और आपने आज तक जितने भी पालक पनीर खाए होंगे उन सबसे बहुत सुंदर है। कितना ग्रीन, बहुत पनीर तैयार है, पालक तैयार है। अब इसमें हम इसको पनीर इसको खाएंगे तो आप इसके उस सौंधेपन की खुशबू को ज़रूर महसूस करेंगे, और साथ में मुझे भी। देखते रहिए हमारे चैनल को राशिद किचन रसोई, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपसे यही अपेक्षा है।